नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ता और बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फुल राजनीति हो रही है। कोरोना संकट के बीच में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान, एम्स के प्रोफेसर और HOD डॉक्टर नवीद विक और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुनील कुमार एक साथ सामने आए और उन्होंने लोगों के बीच में भ्रम पैदा हो रहा है उसको की पूरी कोशिश की है। इन तमाम डॉक्टरों ने कोरोना से जुड़े तमाम सवालों पर गहराई से जवाब दिए हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति में जनता में पैनिक है। उन्होंने कहा कि लोगों ने घर में इंजेक्शन सिलेंडर रखने शुरू कर दिए हैं, जिससे इनकी कमी होती जा रही है। कोविड आम संक्रमण है। 85 से 90 लोगों में ये बुखार जुकाम होता है। इसमें ऑक्सीजन रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी बीच ऑक्सीजन की किल्लत पर जमकर सियासत हो रही है। देखिए, पीएम केयर फंड के पैसों से ऑक्सीजन फंड, ऑक्सीजन के सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, हम इससे सहमत हैं। इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। पर आप याद करिए, मार्च अप्रैल 2020 में भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने यही घोषणा की थी। पहले कहा कि 50 डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, फिर उनकी संख्या बढ़ा के 75 कर दी थी लगभग अगस्त में 2020 में। क्या मैं आज मोहित जी आपके माध्यम से पूछ सकता हूं, उनमें से एक प्लांट भी लगा एक साल में? पिछले एक साल में टेंडर हुआ पर कोई प्लांट, एक सिंगल प्लांट भी पीएम केयर फंड से आज तक ऑक्सीजन का एक साल में नहीं लग पाया। अब जब कोरोना की दूसरी वेव आई, दूसरी महामारी आई, तो फिर ये बोल दिया कि हम 75 और लगाएंगे। आज बोल दिया 551 और लगाएंगे। साहब, कुछ लगाइए तो सही। केवल घोषणाओं से जिनके परिवार का सदस्य मोदी जी मर गया ऑक्सीजन की कमी के बगैर, जिसके परिवार के सदस्य को घर में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, जो ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनके लिए ये राहत नहीं कि आप क्या लगाएंगे 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। सवाल यह है कि एक साल में आपने क्या किया, और एक साल में सिवाय जीरो के दिखाने के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं। वो हजारों करोड़ रुपया जो सरकारी संस्थानों से, कर्मचारियों से, कंपनियों से पीएम केयर फंड में इकट्ठा किया गया, उसको कहां गया? वेंटिलेटर खरीदे गए, वो सब फर्जी पाए गए, गुजरात की एक कंपनी से जो खरीदे थे। आपने, हमने सबने देखा, अखबार ने स्टोरीज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑक्सीजन प्लांट टेंडर किए गए, वो लगे नहीं। अब आप कह रहे हैं 500 और लगाएंगे। कृपया लगाइए, परंतु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाइए। किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की माँ बाप बच्चा जब ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, शायद सरकार में बैठे हुक्मरानों। देश की राजधानी दिल्ली में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ गया है, और उसी के मद्देनजर पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे, ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन कभी और बढ़ाना चाहिए, तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान कि संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये
लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले एक दो दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब पीछे कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। एक हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर दो दो घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को दो दो घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले दो घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई, ये सारी चीज़ें, ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल मैंने, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहां, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की
पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रीतपाल जी बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। संजय आहूजा बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संजय जी एएनबी न्यूज पर। प्रीतपाल जी पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, इस समय आपको पूरा देश सुन रहा है और जो भी आप बोलेंगे वो राजधानी की जनता भी सुनेगी। बहुत ज्यादा परेशानी है वहां पर, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परिवार वालों की मौत लगातार होती चली जा रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, क्या हौसला देंगे राजधानी के लोगों को? बात दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की जो सरकार है वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है। दिल्ली की पूरी जिम्मेवारी हम अपने ऊपर लेते हैं, हम पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ हर पल हर कदम खड़े हैं। कुछ समस्याएं आ रही हैं क्योंकि ये पेंडेमिक जो आया ये कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए, हालांकि एक साल हमको मिला था इसके लिए। केंद्रीय गवर्नमेंट यानी पीएम रिलीफ फंड पे कुछ ऑक्सीजन के प्लांट हमारे वहां लगने थे दिल्ली के कुछ अस्पतालों में, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने 8 अस्पतालों में इसकी जगह भी दी थी, मगर जो पीएम फंड से जो पैसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में डाला गया था वो जो उन्होंने ठेका आगे दिया उसको 142 ठेके देश के दे दिए, जो ना जाने किस कारण से कमीशन कट के कारण या पता नहीं क्या बात है या बीच की बात हम लोगों को पता नहीं है, अभी तक दिल्ली के अंदर मात्र एक प्लांट लगा जो ये बात किसको पता है फिर? ये बात किसको पता है? अगर आपको नहीं पता फिर किसको पता सर? ये चूंकि इसकी निगरानी जो है केंद्रीय सरकार करती है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी निगरानी करता है, उसको उनको देखना था। हम लोगों को सिर्फ जमीन आवंटित करनी थी, सितंबर 2020 में पीएम फंड से इसके लिए पैसा भी आवंटित हो गया, उसमें उन्होंने जो आगे ठेका दिया वो 142 अस्पतालों में प्लांट लगाने का ठेका दिया, जो दिल्ली के 8 अस्पताल में भी उन्हीं को लगाना था, मगर वो ठेकेदार एक प्लांट लगाने के बाद जो अभी चालू नहीं हुआ बाकी के प्लांटों को लगा नहीं पाया वो फरार है। इसकी निगरानी जो करनी थी वो केंद्रीय सरकार को करनी थी, हम लोग सिर्फ बार बार आप लोगों ने कभी इस बीच में शिकायत की इस बात की, क्योंकि एक साल मिला कभी शिकायत इस बात की? बार हम लोगों ने इससे कह थी, माननीय एलजी मोदी को भी बताया गया, माननीय अमित शाह से भी मिलकर इस बात को बताया गया, अरविंद केजरीवाल जी बार बार अपनी पीसी में इस बात को कहते थे, राघव चड्ढा जी बार बार इस बात को कह चुके हैं, आरपीसी मारलीना जी भी कई बार इस बात को लिखित में कह चुकी हैं, अभी तक वो प्लांट तैयार नहीं है। अगर वो तैयार हो जाते शायद आज दिल्ली को इतनी बड़ी परेशानियों के बीच से गुजरना नहीं पड़ता। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली के सीएम उन्होंने अभी पीसी में इस बात को कहा कि दिल्ली के अंदर 700 मीट्रिक टन जो प्रतिदिन हम लोग को खपत के लिए चाहिए वो पूरी तरह से हम लोग को मिल नहीं पा रही है। तीन चेन है, एक चेन है जो मैन्युफैक्चरल है, दूसरी चेन है सप्लायर मतलब है। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देखिए समस्या यहाँ पे ये आती है कि दिल्ली खुद इसमें खुद मुख्तार नहीं है, वो अपने आप से गैस ऑक्सीजन ना बाहर से मंगा सकती है विदेश से, ना देश से कहीं से खरीद सकती है। इसके लिए आवंटन जो करती है वो सेंट्रल की गवर्नमेंट मोदी सरकार इसको करती है, जो पिछले कई सालों से वो करती आ रही है, वो खाली दिल्ली के लिए नहीं है, ये देश की सभी राज्यों के लिए है। सभी राज्यों को जो आवंटन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो जैसे दिल्ली की सरकार इसके लिए परेशान है अन्य राज्यों में भी इस तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इसी सब को खत्म करने के लिए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि 700 मीट्रिक टन जो है हमको दे, मगर उसको वो बढ़ाकर अभी तक 490 मीट्रिक टन किया गया है, जो अभी पूरी तरह से हम लोग को 300 या 350 मीट्रिक टन ही मिल पा रही है, जो समस्या का कारण सबसे बड़ा कारण यही है। अगर 2020 सितंबर में ऑक्सीजन की किल्लत है, सीधे सीधे आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बेड्स की भी बहुत ज्यादा समस्या है, दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, मरीजों को उसमें भर्ती नहीं किया जा रहा है। देखिए काजल जी, बेड हम लोगों ने बहुत बढ़ा दिए हैं, डीआरडीओ में भी बेड लग के खड़े हुए हैं, कई स्टेडियम में हम लोगों ने बेड लगा दिए, कई सरकारी अस्पतालों में बेड लगा दिए,
प्राइवेट आपको रोकूंगी, एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि दिल्ली की सरकार से पूछने बाकी हैं और केंद्र की सरकार से भी। छोटा सा ब्रेक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो जब सरकारों से सवाल पूछे जाते हैं तो एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ा जाता है, जवाब किसी के पास नहीं होता है। संजय आहूजा जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। हम दिल्ली की सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ऑक्सीजन के प्लांट थे उसको बनवाने की तैयारी तो शुरू की थी, लेकिन ऐसी पता नहीं कौन सी दिक्कत आ गई केंद्र की तरफ से जो वो ऑक्सीजन प्लांट बन नहीं पाए, चालू नहीं हो पाए। जवाब दीजिए। राजन जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से प्रीतपाल जी से ये बात करना चाहूंगा, इस मुश्किल की घड़ी में हम आरोप प्रत्यारोप छोड़कर, राजनीति छोड़कर, हमारे पास राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा है, जब चुनाव होगा हम राजनीति कर लेंगे। लेकिन आज हमें जो दिल्ली वासी है, वो अकेले दिल्ली वासी नहीं है, पूरे देश के वासी है, उनकी जान माल की सुरक्षा करना हर एक सरकार का काम है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे देश की हो। जो पीछे क्या कारण रहा, हम अब इसके ऊपर आरोप ना लगाएं। अभी मैं केजरीवाल जी का बयान सुन रहा था, अभी आपके माध्यम से ये बात आ रही थी, उन्होंने 4 लाख मीट्रिक टन समथिंग जैसा भी कुछ फिगर उन्होंने बोली कि रिलीज की है सेंट्रल सरकार ने। तो इतनी भी सेंट्रल के पास ऑक्सीजन है, सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशों को बराबर बराबर बांटी जा रही है। तो मैं इस मुश्किल की घड़ी में आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप राजनीति छोड़कर सुझाव के रूप में काम करें, जो कि देश और प्रदेश की जनता को इस मुश्किल घड़ी में, इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। इतनी कहां से आ रही है, पहले क्या किया नहीं किया वो जनता सब देख रही है, जनता अपने आप ही 2024 में जब चुनाव होंगे वो जवाब दे देगी। आज हम इस राजनीति को छोड़कर, हम सत्ता पक्ष में हैं, कमियां सबसे होती हैं, क्या कारण रहा मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन आज हम इस चीज को छोड़कर, आज अगर दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, कारण क्या रहा आप भी उसको याद नहीं करना चाहते, कोई उसको याद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये समय ऐसा है, संवेदनशील बहुत ज्यादा है, राजनीति करने का बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी मौतें हो रही है, लोगों को बचाने का क्या प्लान है पहले बता दीजिए, क्योंकि केंद्र की सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें, केंद्र की सरकार से देश को, एक मिनट, केंद्र की सरकार से देश को भी उम्मीदें हैं और राजधानी की जनता को भी, आगे का प्लान बताइए। काजल जी, मैं आपको बता दूं, देश की जो सरकार, मोदी जी की सरकार, इस मामले में बहुत सीरियस है,
सेना को भी सतर्क कर दिया गया है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में कहीं बेड नहीं है, तो टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने के लिए सेना को बोल दिया गया। आपके किसी पीछे डिबेट में यह चल रहा था कि सेना का उपयोग किया गया, अरे सेना देश के लिए है, देश की सेना का देश हिंदुस्तान की सेना है, वो हमने किसी और के लिए प्रयोग नहीं किया, हिंदुस्तान वासियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए किया हमने उसका प्रयोग। तो ये जो बातें हैं, हर तरह के वो काम कर रही है जिससे एक एक देशवासी की जान बचाई जा रही है। अगर काम हो रहा है, पहले मेरे सवाल का संजय आहूजा जी जवाब दीजिए, लगातार काम हो रहा है, हम बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं हमारे चैनल पर, वो बैठकर तमाम अपनी पार्टियों का पक्ष रखते हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को बचाने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन को पहुंचाने की, फिर भी मौतें क्यों हो रही हैं, कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? तो फिर बता दूं मैं, आपके चैनल पे कितनी बार आया, उसकी जिम्मेवारी पूरी सरकार की होती है, अगर मौत हो रही है तो हम किसी पे जिम्मेवारी नहीं डालें, जिम्मेवारी पूरी सरकार की होती है, और मौत किसी के हाथ में नहीं होती, जिंदगी बचाना हम कोशिश कर सकते हैं कि किसी की मौत ना हो। मैं फिर वही बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम इस राजनीति को छोड़कर, मौतें हो रही है नो डाउट, और ये बहुत दुखद है, हम इसके लिए प्रयास है कि किसी की भी जान किसी भी चीज से, किसी की कमी से ना जाए, इसके लिए प्रयास है कि हम ऑक्सीजन, दवाई, इंजेक्शन सभी समय पर दें, और इसके लिए देश की सरकार जो है तत्पर है, मोदी जी निरंतर मुख्यमंत्रियों से टच में है, और इसके ऊपर कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन कब पूरा किया जाएगा, सवाल यही है कि पूरा कब किया जाए, पूरा कब किया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगी आपके पास, ठीक है आऊंगी आपके पास प्रीतपाल जी, ठीक है प्रीतपाल जी, मेरा सवाल सुनिए, और सवाल मेरा यह है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो वो अपराध होगा, अगर वो अपराध होगा तो अपराधी कौन होगा? जैसा कि आहूजा जी ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हाँ। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जो हमारे दिल्ली के सेंट्रल की सरकार है, उसने 9000 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन थी वो विदेशों में भेज दी, 645 लाख डोज जो एक तरह रामबाण है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों को जिसकी जरूरत थी वो डोजेज उन्होंने बाहर भेज दी। आज ये पता चल रहा है कि जो कंपनियां कोरोना की जो दवाई बना रही है, जो वैक्सीन बना रही है, उस वैक्सीन के रेट भी उन्होंने बढ़ा दिए, वो बढ़े हुए वैक्सीन के रेट के ऊपर जब माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस बात को कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए प्रति डोज दिया जा रहा है, वो 400 रुपए प्रति डोज। मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उससे किनारा कर गए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उससे किनारा कर गए, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी से एक मौत भी होती है तो अपराध है, वो फिर अपराधी कौन है, अपराधी को सब ढूंढ रहे, अपराधी कौन है, डॉक्टर अपराधी है, राज्य की सरकार अपराधी है, या फिर केंद्र की सरकार अपराधी, या फिर हॉस्पिटल अपराधी है, कौन अपराधी है? देखिए काजल जी, हम लोगों ने जब हाईकोर्ट ने हमसे सारी रिपोर्ट दी, हमने पूरी रिपोर्ट जो दिल्ली की थी उनको सौंप दी, हम लोगों को जो हमारी समस्याएं थी वो उनके आगे रख दी, दिल्ली के जो डॉक्टर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, जो भी हैं, पत्रकार बंधु हैं जो दिल्ली के सड़कों पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सब पूरी ईमानदारी से इस काम में लगे हुए हैं कि दिल्ली में एक भी मौत ना हो, वो अपना राह बार छोड़ के इसमें। लेकिन कहाँ है वो तैयारी, कहाँ है प्रीतपाल जी वो तैयारी, फिर है कहाँ वो तैयारी, दिखती नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोगों की मौत हो जाती है, दूसरे हॉस्पिटल में 20 लोगों की मौत हो जाती है, मतलब एक एक हॉस्पिटल में 20 से 25 लोगों की मौत होना, ये आंकड़ा समझ रहे हैं आप, उन परिवारों का सोच रहे हैं आप, 25 लोगों से 25 परिवार बनते हैं, वो रोते विलखते लोग अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, अस्पताल में उनके लिए जगह नहीं है, उनके लिए बेड्स नहीं है, डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं इस समय, सड़क पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी उनके हाथों में उनके अपनों का दम निकल रहा है, उनके आंसुओं को सोचिए जरा, यहां राजनीति से काम नहीं चलेगा, केंद्र राज्य पर ठीकरा फोड़ दे और राज्य केंद्र पर फोड़ दे, इससे काम नहीं चलेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा काजल जी। हाँ। एक भी मौत अगर दिल्ली के अंदर होती है वो हमारे लिए शर्मनाक है, हम लोग को उसका दर्द है, हम इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, अगर माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने पीएम के साथ जो सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हो रही थी उसको अगर लाइव चलाया, वो सिर्फ देश को बताने के लिए, देश
समय परिस्थिति कहाँ खड़ी है, इसमें गलती किसकी है, कारण कौन है। जब देश में गैस पैदा हो रही थी उस गैस को पिछले 2020-2021 में 9000 मीट्रिक टन विदेश में क्यों बेचा गया। जिस कोरोना के हमारे यहाँ के लोगों को लगना चाहिए था 645 लाख डोजेस क्यों बाहर भेज दी गई। आज क्यों हमको विदेश से वो ऑक्सीजन की मांग मांगनी पड़ रही है, क्यों हमको वहां विदेश से कोरोना वैक्सीन मंगानी पड़ रही है। जो हमारे देश में डेवलप हो रहा था बन रहा था उसको संपदा को बाहर क्यों बेचा गया। आज ये जो पैनिक की स्थिति खड़ी हुई है ये दिल्ली सरकार की अकेली नहीं पैदा की हुई, हमारी खुद मुख्तार की पैदा नहीं की हुई है। हम भी जो हमारा जो जहां से हमको मांगना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, इसका नियंत्रण वही करती है, हम नहीं करते हैं। हमारे पास गैस आहूजा जी ठीक है संजय आहूजा जी, अब वो कह रहे हैं पहले अपने देश के लोगों को बचा लेते बाद में विदेशों के लोगों को बचाते। मैं ये बताऊंगा, उज्जैन स्थिति अनुकूल थी, उज्जैन स्थिति नियंत्रण में थी, और क्या पड़ोसी देश की मदद करना गलत बात है। आज मुझे अगर किसी चीज की जरूरत हो मैं मदद करना गलत नहीं आहूजा जी मदद करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने लोग निपट रहे हैं, मदद करना गलत नहीं। यही इसी सवाल से वापस आऊंगी, ब्रेक पर जाना होगा, इसी सवाल से वापस आऊंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और सवाल यही होगा कि मदद करना गलत नहीं है लेकिन अपने लोगों को बचाइए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ, आज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते होए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चियां नूं बचाउणा है, अपने होर बुजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी इही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगवाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दियां अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई एयरटेल फेसबुक पेज इंस्टाग्राम जियो टीवी गूगल प्ले यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल राजनीति से भरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें आगे का सोचना है, हमें देश की पब्लिक का सोचना है, राजनीतिक दलों को भी यही सोचना है और डॉक्टर्स को भी यही सोचना है। बहुत ज्यादा भयावह तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। शमशान घाट में जगह नहीं है, अब पार्कों में लोगों को दफन करने की तैयारी हो रही है। सोचा था कभी काजल जी? कभी ऐसा नहीं सोचा था कभी देश के अंदर इस तरह की स्थिति खड़ी होगी। हमारी सरकार बार बार इस बात को कहती थी कि देश के अंदर जो देश का बजट है, हमारे देश के टैक्स पेयर का जो पैसे से जो बजट तैयार होता है, उसे जो स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं जो है वो अव्वल होनी चाहिए और पूर्णता मुफ्त होनी चाहिए देश के अंदर। ये हमारी पार्टी का पूरी तरह से विचार रहा है और हमारी पार्टी ने इसको दिल्ली के अंदर उतारा भी है। डे वन से 2015 से हमारा जितनी बार भी बजट बना दिल्ली का, वो कुल बजट का 25-26% हम लोगों ने स्वास्थ्य पे रखा और 24-25% लेकिन फिर भी बेड्स की समस्या क्यों है? फिर भी बेड्स की समस्या क्यों है? इसका एक मिनट, इसका जवाब आप दीजिए और जवाब इसका भी दीजिए। लेकिन आज से छह दिन पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो सीएम ने खुद कहा था कि ये जो 6 दिन है इनमें बेड्स का इंतजाम हम करेंगे, ये इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया है। कितना हो पाया अब तक और कब से वो चालू हो जाएगा, उसका भी जवाब दीजिए। मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, जब देश के अंदर लॉकडाउन पहला 24 तारीख को लगा था, 24 मार्च 2020 को, तब हमारे पास स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कोविड के लिए हमारे पास तैयारी नहीं थी, हमको जानकारी नहीं थी, हम विदेशों पर डिपेंड थे। जब ये लॉकडाउन देश के अंदर लगा, उसी बीच में मई में हमारे पास ये स्थिति आ गई, जब देश के अंदर 500 से 600 के आसपास केस थे, तब दिल्ली के सीएम ने कहा था कि हमारे पास अगर दिल्ली में 1000 भी केस प्रतिदिन आने लगे तो उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है। ये पहली लहर की बात बता रहा हूँ आपको। आज चौथी लहर है। 3 अप्रैल 2021 को हमारे पास जो बेड की संख्या 100 के आसपास थी, पूरे दिल्ली के अंदर 50,000 बेड हमारे पास ऑलरेडी है, मगर 6700 जो बेड थे वो हम लोगों ने कोविड पेशेंट के लिए अलग से रखे हुए थे। आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 26,000 बेड लगभग तैयार हैं। जो एक्यूपाई है वो तकरीबन 21,000 बेड जो है वो मरीजों के लिए बांट दिए गए, मरीज उस पे हैं, मरीजों की सेवाएं वहां पे हो रही हैं। तो जो ये 6-7 दिन का हमारा लॉकडाउन था, कल हमारे सुबह 6 बजे लॉकडाउन खत्म होने वाला था, इस बीच हम लोगों ने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था स्वास्थ्य का उसको बढ़ाने का काम किया। हम लोग डीआरडीओ के अंदर भी उम्मीद करें अब बेड्स की समस्या नहीं होगी दिल्ली में, क्या उम्मीद करें? अब देखिए काजल जी, पूरी बात समझिए, बेड्स के साथ हमको ऑक्सीजन भी चाहिए। आईसीयू के जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बाहर से मंगा के, आप पहले बेड्स पर आइए क्योंकि वो ऑक्सीजन का काम तो आपने केंद्र पर छोड़ दिया है, ऑक्सीजन का काम वो जवाब उनसे लेंगे, आप बेड्स पर आइए पहले। एकदम बेड्स हमारे पास इस समय पर्याप्त मात्रा में है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि स्थिति संभली भी है। जो केस बढ़ रहे थे वो केस कुछ प्रतिशत कम, मरीजों को अब अस्पतालों से बाहर तो नहीं भेजा जाएगा, मरीजों को भर्ती किया जाएगा ना अस्पतालों में। हमारी ईमानदारी के साथ ये दिल्ली वालों का हमारा उनका जो विश्वास हमारे ऊपर, कब से मानकर चले इसको। देखिए हम लोग पूरी तरह तैयार है, डे बाय डे स्थितियां बढ़ती घटती रही है, उसके बाद भी हम लोग पूरी तरह तैयार है। लास्ट रिएक्शन, ठीक है संजय आहूजा जी, आपका भी लास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि समय की भी कमी है। देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार पर टिकी हैं, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, वैक्सीन को लेकर हो, रेमडेसिविर को लेकर हो या फिर अस्पतालों में बेड्स को लेकर हो। क्या कहेंगे देशवासियों को, लास्ट रिएक्शन है आपका? मैं निश्चित तौर पर देशवासियों से यह आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि पैनिक ना हो। एकदम से स्थिति बिगड़ने की हालात में चली गई थी, इसको कंट्रोल करने के लिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने उन्होंने सेना को सतर्क कर दिया है कि स्थिति और भयमय ना हो। तो मेरा जनता से आपके माध्यम से ये निवेदन है, आग्रह है जी, इसको पैनिक ना हो। ऑक्सीजन की देश में कमी नहीं है, देश में कमी नहीं है फिर भी नहीं मिल पा रही है। सर, देश में कमी नहीं है फिर भी नहीं मिल पा रही है। देखिए कल भी एक डिबेट में बात हुई, कमी नहीं है, हमें पर नहीं पहुंच पा रही, ये पूरे तो वो भी तो दिक्कत है ना, वो भी तो सरकार की कमी है ना, उसमें भी तो सरकार पर सवाल उठ गए, क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों नहीं इंतजाम है पहुंचाने की। मैं काजल जी आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा, नाकामी नहीं जिम्मेवारी केंद्र सरकार की और प्रदेश शासित प्रदेश की, चाहे वो किसी की भी सरकार हो,
ये पूरे हरेक हरेक सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आप की हो, चाहे एनसीपी की, किसी की भी सरकार हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो कब पहुंचाई जाएगी, कब पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन, कब कब हम देखेंगे कि अस्पतालों में मौतें, कब हम देखेंगे कि एक अस्पताल, एक मिनट, कब हम देखेंगे कि एक एक अस्पताल से 25 शव निकल कर आ रहे हैं, ये तस्वीर कब बंद होगी? आज की स्थिति, आज की जो स्थिति है, अब तक की जो स्थिति है, बहुत भयानक है। जो ये मौतें हो रही है बहुत भयानक है। संभालना तो पड़ेगा ना, लेकिन संभालना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल। अगर अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठे तो संभालना भी पड़ेगा, सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास, तो लगातार जब सवाल पूछे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ा जाता है एक दूसरे पर। राज्य सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक हमारे पास इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब हम सारे इंतजाम कर चुके हैं, अब कोई कमी नहीं होगी, ना बेड्स की समस्या होगी। और जब केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है कि कहाँ है ऑक्सीजन, अब वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो सवाल यही उठता है कि ऑक्सीजन है कहाँ? अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोज़ाना लोगों की सांसें टूट रही हैं, रोज़ाना देश की राजधानी में 300 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोविड के पेशेंट को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। सरकार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन बहुत है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, लगातार भंडारण ऑक्सीजन के हैं और अलग अलग प्लांट भी लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन वो है कहाँ? बार बार सरकार से यही सवाल पूछा जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी सर्विस चल रही है, राज्यों तक पहुंचाई जा रही है। अगर राज्यों तक पहुंचाई जा रही है तो फिर अस्पतालों में क्यों नहीं है? अगर अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही है तो फिर मरीजों की जान आखिरकार क्यों जा रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि राज्य सरकारों पर भी उठते हैं और देश की सरकार पर भी। नहीं बल्कि देश भर का एक जैसा हाल है, एक जैसे केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो तकरीबन 4 लाख पहुंच चुका है और मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो देश की राजधानी हो या फिर दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भी कमोवेश एक जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में हालात ये हो चुके हैं कि शमशान घाट में अब जगह नहीं है शव जलाने के लिए, कोविड पेशेंट जिनकी मौत हो रही है उनको दफनाने के लिए अब शमशान घाटों में जगह नहीं बची है। अब व्यवस्था की जा रही है दिल्ली के पार्कों में, ये वही पार्क हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ये वही पार्क है जहां पर शाम के टाइम लोग बैठते हैं, अब वहां पर चिताएं जलेंगी, अब वहां पर कोविड पेशेंट जिनकी मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार होगा। ये वो भयावह तस्वीर है जो देश के किसी भी नागरिक ने कभी नहीं सोचा था, ये वो भयावह तस्वीर है जिसकी कल्पना भी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की थी। ये आफतकाल एक तरीके से इसको कहा जाएगा, देश में आफतकाल इस समय चल रहा है, ना तो इसको कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल करना एक तरीके से नामुमकिन सा लग रहा है। कोई दवा इसकी नज़र नहीं आ रही है, वैक्सीन भले ही लग रही है लेकिन वैक्सीन कब कब किस किस को दी जाएगी उसका भी एक समय डिसाइड किया गया है, उसकी भी एक एज डिसाइड की गई है। पूरे देश में वैक्सीन कैसे लगेगी ये बड़ा सवाल इस समय उठता है। वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, मौतें भी लगातार होती चली जा रही हैं, रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा है। देश में जो हालात इस समय पैदा हो चुके हैं, और एक्सपर्ट का ये भी कहा जा रहा है कि एक और वेव कोरोना की आएगी, और जब वो वाली वेव आएगी तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है, और जब परेशानी बढ़ेगी देशवासियों को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर है, हमारे देश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो मजबूत नहीं है, हमारा देश तैयार नहीं था इस इमरजेंसी के लिए, हमारा देश तैयार नहीं था इस आफतकाल के लिए, हमारे देश की सरकारें तैयार नहीं थी। हालांकि सरकारों को अंदाजा था, राज्य सरकारों को भी पूरा अंदाजा था, देश की सरकार को भी, केंद्र की सरकार को भी पूरा अंदाजा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर फोकस किया गया, लोगों को बचाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, लोगों की जान की कीमत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने में लगे रहे। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री देश की रैलियां करते हैं पश्चिम बंगाल में, गृहमंत्री देश की रैलियां करते हैं पश्चिम बंगाल में, ये शर्मनाक है देश की केंद्र सरकार के लिए। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो चुके हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता और डॉक्टर आरती यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर आरती आपसे होगा, क्योंकि देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, देश को ज़रूरत है इस समय जागरूक करने की, ज़रूरत है इस समय जो लोग परेशान हैं उनको जागरूक करने की, सबसे पहला रिएक्शन आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि लोग बहुत ज्यादा गर्मी हो रहे हैं वो ना हो। इस कंडीशन में क्या है कि हॉस्पिटल हो या फिर डॉक्टर हो या नॉर्मल, सभी लोगों में एक जाहिर सी बात है डर का माहौल बना हुआ है। तो अगर आपको कोई भी लक्षण अगर आपको लग रहा है, अगर आपको आपका टेस्ट नेगेटिव है या आपका टेस्ट पॉजिटिव है, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो शुरुआत वही से करनी है कि आपको अपने आप को होम आइसोलेशन करना है। ये नहीं है कि मैं नहीं जा पाया, मेरी जांच नहीं हो पाई, क्योंकि हर जगह देखिए इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड हो रहा है, ओवर प्रेशर है हर किसी के ऊपर, तो उसमें कहीं ना कहीं सबको अपनी एक जिम्मेदारी निभानी है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और आपका टेस्ट नहीं हो पाया है, आपको लग रहा है कि आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे आपका नंबर नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने आप को होम आइसोलेशन कीजिए। आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, आजकल हर हॉस्पिटल में यही फैसिलिटी दी जा रही है टेली कंसल्टेशन की। आप टेली कंसल्टेशन करके आप अपने जो भी सिम्टम्स हैं डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू वो आपको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं, उन मेडिसिन को लेके आप उनको फॉलो कीजिए और अपने आप को आइसोलेशन में रखिए। आइसोलेशन में अगर घर में अगर होम आइसोलेशन के लिए आपको बोला जाता है तो घर में भी आपको जो आपको मेडिसिन दी गई है वो आपको खानी है। होम आइसोलेशन में आपको मास्क पहन के रखना है, अपने घर वालों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है। डॉक्टर आरती, टेस्टिंग को लेकर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि टेस्टिंग इस समय ये हो रहा है कि अगर कोई आज जा रहा है टेस्ट कराने के लिए तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, अगले दो दिन के बाद अगर कराए तो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, या फिर आज नेगेटिव है तो अगले चार दिन के बाद टेस्ट कराने से पॉजिटिव आ जाती है। ये क्या है और इसके पीछे क्या प्रोसेस लग रही है, क्योंकि लोगों में एक भ्रम है इस चीज़ को लेकर और ये ऐसा हो रहा है। देखिए, वही मैंने अभी आपको काजल जी वही चीज बोली है कि बहुत ज्यादा आप इन चीजों पे मत जाइए कि क्या टेस्ट में आ रहा है, क्योंकि हमारा मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है बात का कि लोग कम से कम बीमार हों, लोगों की जो डेथ जिस तरीके से हो रही है उस पर कैसे रोकथाम की जाएगी, लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इस आपदा से। तो अगर आपको सिम्टम्स है तब भी अपने आप को आप होम आइसोलेशन कीजिए। वही चीज जो बार बार हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं बताने का कि हर चीज में जरूरत नहीं है हॉस्पिटल भागने की, आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इनिशियल सिम्टम्स आपको आ रहे हैं वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडवाइस किया जाता है एंटीजन रिपोर्ट या फिर RT-PCR तो आप उन टेस्ट को कराइए, अन्यथा मत कराइए। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि सवाल जो है वो भी टेस्टिंग को लेकर ही होगा। आजकल देखने को मिल रहा है कई ऐसे मरीजों में देखने को मिला है कि उनमें सिम्टम्स हैं, लेकिन जब RT-PCR टेस्ट कराया जाता है तो उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। अब उसके बाद लोग सिटी स्कैन कराने के लिए जा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है और क्या इसमें कुछ ऐसा है कि जो सिम्टम्स RT-PCR कैच नहीं कर पा रहा है वो सिटी स्कैन में आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे? देखिए, किसी भी बीमारी की जांच के लिए कोई भी टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता, चाहे वो RT-PCR हो, एंटीजन बेस्ड टेस्ट हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई पेशेंट से क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब तकलीफ होती है या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कोरिलेट करते हैं लैब टेस्ट से, रेडियोलॉजिकल टेस्ट से। लैब टेस्ट होते हैं जैसे RT-PCR हो गया या दूसरा जो एंटीजन टेस्ट हो गया, और उसके अलावा रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन है, एक्सरे है। तो अभी तक ये देखा गया है कि RT-PCR 20-25% लोगों में फॉल्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसमें सिम्टम्स हैं, पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, वो फॉल्स नेगेटिव आ रहा है 25% में, क्योंकि या तो सैंपल गलत से लिया है, सैंपल डीप नहीं लिया है, सैंपल को प्रोसेस सही से नहीं किया, सैंपल को सही से स्टोर नहीं किया, और उससे हो सकता है रिपोर्टिंग टाइम को एरर हो गई है। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि RT-PCR नेगेटिव है लेकिन पेशेंट पॉजिटिव होता है, बिकॉज उसके सिम्टम्स बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सांस तकलीफ है, तो ये सारे हो रहे होते हैं।
लेकिन जो सीटी स्कैन है ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, मतलब स्पेसिफिक तो नहीं, बड़ा सेंसिटिव, अगर लंग्स में हल्के से भी चेंज आते हैं तो पकड़ लेता है। तो अगर कोई पेशेंट जिसका आरटीपीसीआर नेगेटिव है लेकिन उसके सिम्टम्स, मतलब वो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब जिसको बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, नाक में स्वाद नहीं आ रहा है, गले खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, और उसको लग रहा है बॉडी एक है, मैलेज है, पेन एब्डोमिन है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, इनमें से कोई भी दो तीन सिम्टम्स है, तो इसका मींस अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज वो कोविड ही है। कि हमें पता है इस समय कोविड पैंडेमिक में 99% पेशेंट जो इन सिम्टम्स का बता रहे हैं वो कोविड पेशेंट ही होते हैं। तो उनका तरीका है कि एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब हाई सस्पेक्शन रखना है आपको, ये ऐसे लोग को तुरंत हम माने सस्पेक्ट है, उसको सस्पेक्ट की तरह ही ट्रीट करें। दूसरा उसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के तरीके हैं, पहले तो एंटीजन टेस्ट कराएं, एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, अगर एंटीजन नेगेटिव है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हमें आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा और एचआरसीटी चेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों में कोई भी पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको कोविड पेशेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, म्यूटेंट के सीक्वेंस की लगातार चर्चा की जा रही है और लगातार चर्चाओं में आ भी रहा, ये वाली प्रक्रिया क्या है, और पिछले साल जो पीक थी अब जो ये वाली दूसरी पीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है उस प्रक्रिया को लेकर, म्यूटेंट वाली उसके सीक्वेंस को लेकर? तो पहले एक तक SARS-CoV-2 वायरस था जो एक नॉर्मल वायरस था जो सर्कुलेट हो रहा था, उसकी वजह से पहली लहर आई थी। हाँ। जब दूसरी और तीसरी लहर जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कई सारे म्यूटेंट्स आ गए, चाहे वो उसका इंग्लैंड का म्यूटेंट हो या साउथ अफ्रीका का हो, ब्राजील का हो, इवन डबल म्यूटेंट इंडिया में स्ट्रेन आया था, अभी तो एक नया स्ट्रेन हमने आइसोलेट किया है बंगाल में, मोर देन ट्रिपल म्यूटेंट, तो कई सारे म्यूटेंट आइसोलेट हो चुके हैं, और ज्यादातर मैक्सिमम जो पेशेंट मिल रहे हैं वो पहले इंग्लैंड के स्ट्रेन के मिल रहे हैं, सेकेंड नंबर पर डबल म्यूटेंट्स है, और उसके अलावा बाकी में सारे आ रहे हैं, तो मिक्स पॉपुलर। तो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में या समुदाय में 3-4 तरह के कॉमन स्ट्रेन घूम रहे जिनसे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, और हो सकता है कुछ और ऐसे भी हों जिनको हम आइसोलेट नहीं कर पाए हों, जिनकी जीनोमिक सिक्वेंसिंग हम नहीं कर पाए अभी तक। तो अभी तक जो इनिशियल स्टडीज हैं, जो ऑब्जर्वेशन उनमें देखा गया, जो नए म्यूटेंट्स हैं पुराने साल वाले म्यूटेंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है इस इन्फेक्शन की दर को बढ़ाने में, लोगों को ज्यादा इन्फेक्ट करने में, इवन लोगों को ज्यादा सिम्टोमेटिक लोग आ रहे हैं, पिछली बार एसिम्टोमेटिक लोग ज्यादा आ रहे थे, अभी लोगों में जो सीटी फाइंडिंग है ज्यादातर लोगों में निमोनिया मिल रहा है, हल्के सिम्टम्स होने के बाद अगर हम सीटी कराते हैं तो उनका स्कोर 8 या 10 तक पहुंच जाता है नॉर्मल, मतलब हल्के फीवर में। इन मरीजों को बुखार लंबा चल रहा है, 7 से लेकर 10 दिन तक बुखार में लोग रहते हैं, पहले बुखार कम आता था, नेगेटिव थोड़ा लेट हो रहे हैं, पहले लोग 10 दिन से लेकर 14 दिन में नेगेटिव हो जाते थे, अब लोग को 14 से 21 दिन लग रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, इवन डेथ ज्यादा हो रही है। तो कृपया करके इन न्यूट्रिएंट्स को हल्के में ना लें, इनकी इन्फेक्शन दर ज्यादा है, इसकी वजह से बच्चों को, बड़ों को, इवन बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, और यह जो बहुत सारे यंग एडल्ट्स हैं जो 30-35 साल के उनकी डेथ हो रही है, उनके अंदर बड़े बड़े न्यूमोनाइटिस, ARDS, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये खतरनाक म्यूटेंट्स हैं। हम सबको यही चाहिए कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं करके हमें स्टॉप करना पड़ेगा, अगर नहीं स्टॉप करेंगे तो और नए म्यूटेंट पैदा होंगे, हो सकता है वो और ज्यादा खतरनाक हो। अभी तक जो अच्छी बात है कि इन जितने म्यूटेंट्स आए उनमें हमारी वैक्सीन इफेक्टिव है, हमारी दवाइयां इफेक्टिव है, ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, और उसका तरीका यही है कि हम वैक्सीन प्रक्रिया को तेज करें, रैंप अप करें, और जैसे 1 साल के बाद 18 साल के लिए सबके लिए हो जाएगा, तो सरकार को चाहिए कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और दूसरा जो है हमें पार्शियल लॉकडाउन रख के जब तक कंट्रोल नहीं हो, तीसरा जो है इसमें हमें चाहिए कि इसको जो प्रिकॉशंस हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जमीनी लेवल पे बहुत सख्ती से लागू करें, बिकॉज इतनी बड़ी जनसंख्या अगर 1% आबादी की भी डेथ होती है तो बहुत लंबे, मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी, करोड़ों में लोगों की डेथ होगी, तो कहीं ना कहीं करके अब एक गांव में कोरोना पहुंचेगा तो और बुरी हालत होगी, कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स का जो रेशियो वो कम है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चेन को ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा गाँव से पहुंचने से पहले। ठीक है डॉक्टर आरती, एक और भ्रम की स्थिति है टेस्टिंग को लेकर कि कौन टेस्ट कराए और कौन ना कराए। एक तो ये है कि जिन लोगों में सिम्टम्स हैं वो टेस्ट कराएंगे ही कराएंगे, उनको जाना ही जाना है। दूसरा ये है कि कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हम किसी संक्रमित के पास से आए हैं, अगर किसी से मिलने के लिए गए हैं वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उन लोगों को लगता है कि हमें भी टेस्ट कराना चाहिए, भले ही कोई सिम्टम्स ना हो उनमें, या फिर एक भ्रम की स्थिति उनमें है। तो अब सवाल यह है कि कौन टेस्ट कराए और कौन ना कराए, ये पूरा देश ये भी जानना चाहता है क्योंकि भ्रम बहुत ज्यादा है। जी काजल जी, ये आपने बिल्कुल सही पूछा है कि कौन टेस्ट कराए और कौन ना कराए, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैला हुआ है तो सबके मन में एक डर है, अगर किसी को हल्का सा भी सिम्टम लगता है तो सबको सबसे पहले ये लगता है कि मैं अपना टेस्ट करा लूं, जिससे कि पता चले कि अगर मैं कोरोना से संक्रमित हूं तो मुझे सही समय पर इलाज मिल जाए।
तो ये मैं कहूंगी हर सारे हमारा जो भी टेस्टिंग का जो रेट है उसको बहुत सरकार से यही है कि आप मतलब बहुत स्पीड में उसको बढ़ाइए। अभी वो किस तरीके से मैनेज करना है कि आपको इस चीज के लिए लोगों को अवेयर अभी भी बहुत ज्यादा कराने की जरूरत है। टेस्टिंग जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है और उनके संक्रमण में जो लोग आए हुए हैं उनको तो कराना ही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये संक्रमण इतनी जोरों से फैला हुआ है तो हर किसी को अपना टेस्ट कराना चाहिए। उसके लिए हमें ये स्टेप उठाना है कि इस टेस्ट को किस तरीके कितना मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एडवाइस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम फैसिलिटीज दे सकते हैं लोगों को कि आप ये टेस्ट आके कराइए। उसके लिए हमें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए भी। और दूसरी चीज है कि जो इंजेक्शन जो हमारा है कि वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है उसको भी और स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण से रोकथाम कर पाएंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक और सवाल हो जाता है वो भी टेस्टिंग को लेकर ही है, और टेस्टिंग को लेकर इसलिए है कि लगातार सभी तो खैर टेस्ट नहीं करा सकते। एक तो वो है कि जिनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो टेस्ट करा सकते हैं, दूसरा ये है कि जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं क्या वो टेस्ट ना कराएं, क्या उसको अननेसेसरी टेस्ट कहा जाएगा, इसको मान सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा कि जो सिम्टोमेटिक है उनको तो टेस्ट कराने कराने, सबको जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं उनको टेस्ट नहीं कराने। अगर वो किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए तो 3 से 5 दिन में अपना टेस्ट करा सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लगभग सभी अस्पतालों में, चाहे दिल्ली के अस्पताल में हो, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में हो या फिर मुंबई के अस्पतालों में है। डॉक्टर डीके गुप्ता, कैसे आप इस स्थिति को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कई बार बताया था कि हमें ऑक्सीजन भी अगर किल्लत को मैनेज करना है तो हमें कुछ नया आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। अभी जितने लोग भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम ही आ रही है। जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। बिल्कुल जी जी, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑलरेडी हॉस्पिटल फुल ऑफ ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, 150% पे चल रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर उतने ही है, नर्सिंग स्टाफ उतना ही, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते दिन में, और नए अस्पताल भी हम जल्दी जल्दी बना नहीं सकते किसी कीमत पे भी। इतना मेहनत कर ले, जब तक बना के तैयार कर पाएंगे तब तक लहर चली जाएगी और वो उसका कोई फायदा नहीं हो। तो अगर हमें अभी जान बचानी है तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। हमें जितनी सोसाइटीज हैं बड़े शहर, खासकर बड़े शहरों में, उन सब सोसाइटीज में जो जितने बरातगण हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, क्लब हाउस हैं, या कोई भी बड़ा स्पेस जिसमें 1500 से 2000 स्क्वायर फुट एरिया है, जो पंखा और लाइट पानी है, उन सबको हमें आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर देना चाहिए। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो वहाँ पे संसाधन जुटा सकते हैं, और जो वहाँ सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कोई ना कोई डॉक्टर्स रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, वो सब वहाँ वॉलंटियर समय से मरीज को देख सकते हैं, और जो उसके आसपास अस्पताल है उस जो आइसोलेशन सेंटर को उस अस्पताल से संबद्ध कर देना चाहिए कि वहाँ अगर वो पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, लैब टेस्ट कराने हैं, सीटी स्कैन कराना, वो वहाँ से कनेक्ट होकर उन पेशेंट को सारी सुविधा दे सकता है। मतलब ये एक एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम नियर बाय हॉस्पिटल हो जाएगा, जो आपके कम्युनिटी सेंटर में होगा, जो आपके घर के पास होगा। तो एक तो लोगों में पैनिक कम हो जाएगा, लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी, घर में फर्स्ट एड मिल जाएगा, बेसिक केयर मिल जाएगी, तो जो लोग L1 से L2 में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आउट ऑफ बॉक्स सरकार को सोचना चाहिए, इस तरह के सेंटर्स क्रिएट करने चाहिए, RWH को, डॉक्टर्स को, सरकार को, बुद्धिजीवियों को, NGOs को, क्योंकि उसमें ये भी फायदा है कि जो लोग ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती हैं उनको अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो उनको हम रेफर बैक करके घर पे भेज के इन सेंटर से अटैच कर सकते हैं, तो उनका जो बचा हुआ जो कोर्स है वो वहां पूरा हो सकता है, तो हमारे बेड खाली हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो खाली हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो घर में आइसोलेशन में भी लोग रह रहे हैं उनकी भी मॉनिटरिंग इस यहाँ से हो सकती है, सेंटर से। तो इस तरह ऐसा कुछ करें तो मुझे लगता है कि इसमें शायद हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज और कुछ ज्यादा ऑप्शन है या नहीं। डॉक्टर गुप्ता, एक और इंतजाम आजकल किया गया है जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पतालों के बाहर भी बेड लगा दिए गए हैं, मरीजों को वहां पर रखा जा रहा है, वहीं पर उनका इलाज किया जा रहा है, या फिर उससे बाहर भी कोई ऐसी जगह बनाई जा रही है, कोई प्लॉट है वहां पर भी एक जगह बना दी गई है, उसमें बेड लगा दिए गए हैं, मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा है। उस इलाज में और हॉस्पिटल के इलाज में कितना डिफरेंस है? क्या वो इलाज भी उतना प्रभावी है जितना प्रभावी हॉस्पिटल के अंदर का इलाज है? देखिए, इलाज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, इलाज में तो यही है कि आपको ऑक्सीजन देनी है, आईवी फ्लूइड देना है, आईवी एंटीबायोटिक्स देनी है, स्टेरॉइड देने हैं, या हमें रेमडेसिविर देनी है अगर हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। बस ये कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल के अंदर का अच्छा होता है,
अंदर कूलिंग अच्छी होती है, एयर कंडीशन होता है, बाहर हो सकता है वो सब चीजें नहीं होती हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है बिकॉज इस समय ओवरलोडेड सिस्टम, तो जो जैसे पॉसिबल हो हमें हमें इस समय एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक ही मिशन और विजन होना चाहिए कि हम कितने लोगों की जान बचा सके, चाहे अस्पताल के बाहर बचानी पड़े, चाहे कम्युनिटी सेंटर में बचानी पड़े, चाहे होम आइसोलेशन में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बचाना पड़े, चाहे सिलेंडर पहुंचा के बचानी पड़े, हमें एक ही चीज फोकस करना चाहिए कि हम कैसे एग्रेसिव ट्रीटमेंट देके किसी की जान बचा सकते हैं। डॉक्टर आरती, पैनिक को लेकर लगातार समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि पैनिक ना हो, जितना हो सके धैर्य से काम ले, जितना हो सके आराम से काम ले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे देश में जैसी सिचुएशन हो गई है, आज देश के चार बड़े डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पर आकर भी उन्होंने बोला है कि पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहेंगी? लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, पैनिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समझाया जा रहा, भले ही सरकार की तरफ से समझाया जा रहा हो, डॉक्टर्स की तरफ से समझाया जा रहा हो, या फिर मीडिया की तरफ से समझाया जा रहा हो, लेकिन वो पैनिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लोग अपनों को खो रहे हैं वहां पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैनिक बिल्कुल क्रिएट हो रखा है, बहुत ज्यादा पैनिक की फैली हुई भयाव है। सब जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको पास पैसे की कमी नहीं, जिनके पास पद इतना बड़ा है, जिनकी पद की कोई कमी नहीं है, जो चाहे कुछ भी कर सकते थे, वो इस समय सब लोग असहाय हो रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं भय बढ़ गया, और भय बढ़ने से क्या हो, कालाबाजारी बढ़ रही है, लोग सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं, बेड जबरदस्ती बुक कर रहे हैं, दवाइयां इकट्ठी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पैनिक को कम करना पड़ेगा। ये लहर परमानेंट नहीं, कोई भी बुरा वक्त परमानेंट नहीं होता है, अगले 15 दिन में हमें पता है पीक आके और उसका क्लेरिटी आना शुरू हो जाएगा, तो 15 दिन में हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें फोकस करना चाहिए, ना कि पैनिक क्रिएट करना चाहिए। और पैनिक करने से और भी स्ट्रेस बढ़ेगा, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और डर बढ़ेगा, तो ऐसा ही हमें कुछ कदम उठाने चाहिए कि घर के आसपास कुछ सेंटर बना दें, मेडिकल सेंटर बना दें, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बना दें, सो दैट लोगों के अंदर भय खत्म हो, लोगों को लगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की हमें मिल जाएगा, हमें एम्बुलेंस मिल जाएगी, हमें बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इस तरह कुछ हमें सरकार को भी कुछ ऐसे कदम उठाना चाहिए, और जनता को भी, क्योंकि सरकार भी इतना बड़ा पैंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। सभी सिर्फ यही कहा जाएगा, पैनिक ना हो, जितना हो सके घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करिए। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।